अगली खबर में बात करते हैं रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को लेकर। रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन अब न्यूजीलैंड की फास्ट पिचों पर गेंदबाजी करेंगे। कुलदीप को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच गुजरात के राजकोट में हुए रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के मैच में कुलदीप ने 8 विकेट चटकाए थे। इससे पहले भी वे पिछले आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं। एपीएसयू पवेलियन के क्रिकेट कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि कुलदीप ने पहली पारी में 5 विकेट तो दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। इसी खेल की बदौलत 29 अक्टूबर को एनसीए कैंप बेंगलुरु के लिए बुलावा आया। हाल ही में इंडिया ए के 2 मैचों में कुलदीप ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। तब से तय हो गया था कि आगामी दौरों के लिए कुलदीप का चयन जरूर होगा। कुलदीप सेन का जन्म 28 अक्टूबर सन 1996 को रीवा शहर के समीपी ग्राम हरिहरपुर में हुआ था। पिता रामपाल सेन की सिरमौर चौराहे पर सैलून शॉप है। 3 भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप क्रिकेटर हैं। दूसरे नंबर के भाई राजदीप सेन का हाल में मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। तीसरे नंबर के जगदीप सेन कोचिंग चलाते हैं। आईपीएल के कई मैचों में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर चुके हैं। बचपन के दोस्त राघवेंद्र सेन ने बताया कि फटे मोजे की गेंद और मोगरी से क्रिकेट खेलने वाला मेरा यार आज इंडियन टीम का स्टार बनने वाला है। हम दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। सन 2005 में हमारी उम्र 8 से 10 साल थी। तब हमारे पास गेंद और बैट नहीं होता था। ऐसे में हम फटे मोजे की गेंद बनाकर और मोगरी के बैट से क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ मनोरंजन का साधन था। दोस्त ने कहा कि कुलदीप सेन के रूम में कोई नहीं आता जाता है, सिर्फ यार यानी कि मेरी एंट्री है। हम सुबह से शाम तक कुलदीप के रूम में बैठकर उसके ही जीवन के सपने बुनते रहते हैं। कुलदीप की जर्सी, जूता और बैट गेंद देखकर गर्व होता है। अब उस दिन सबसे बड़ी खुशी मिलेगी जब कुलदीप भारतीय टीम का स्थापित बॉलर बन जाएगा। देश दुनिया में चारों तरफ रीवा का नाम होगा। तेज गेंदबाज कुलदीप का 2 माह पहले 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप के लिए चयन हो चुका है। हालांकि उनको खेलने का अवसर नहीं मिला था, तब इंडियन क्रिकेट में 18 सदस्यीय टीम में जगह दी गई थी। बैकअप खिलाड़ी स्टैंड बॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल का चयन हुआ था। चोट के कारण दीपक चाहर को ड्रॉप कर कुलदीप सेन को चुना गया था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।